हाय गाइस, हेलो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी अपन कुछ समय पहले ही मिले थे हिंदू एनालिसिस के साथ, है ना। मुझे लग रहा था इतनी जल्दी नहीं मिलना होगा, बट फाइनली आई थिंक वी मीट बिकॉज ऑफ द क्लैट कंसोर्शियम। सो फाइनली क्लैट कंसोर्शियम ने फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो इशू कर दी है ना। दे हैव इशूड द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, फर्स्ट लेट मी हैव अ टेक चेक एंड देन आई कंटिन्यू। ओके, आई थिंक सीम्स ऑल फाइन विद द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। यस, सो या सो क्रिसमस के जस्ट एक दिन बाद एक सरप्राइज दिया गया, सरप्राइज बाय द क्लैट कंसोर्शियम। बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह क्लैट कंसोर्शियम आता है एंड दे हैव गिवन द सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ किड्स, जिनकी कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ था कि मुझे फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ये चीज़ें मिल जाएंगी। और कुछ लोग डिलेमा में थे। देखो, जिनकी सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक थी, उनको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझे क्या मिलने वाला है। एनएलएस मिलेगा, नालसार मिलेगा, क्या मिल जाएगा, उस चीज़ पर उनको क्लैरिटी मिल गई थी। प्रॉब्लम उनको आ रही थी जिनकी रैंक 3 डिजिट रैंक में थी या 4 डिजिट रैंक में थी, है ना। उनको इस बात का इशू था कि यार मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। सो फाइनली द क्लैट कंसोर्शियम हैव रिलीज द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑन देयर वेबसाइट। अब आपको अगर अपनी लिस्ट को देखना है तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज आप क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे क्लिक करो, क्लैट सर्च करो, क्लैट कंसोर्शियम है क्लैट 2024। पहली लिंक जो आपको मिलेगी ना, तो पहली लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट, अब यहाँ पर आप या तो लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन करो, दैट इज गुड। अगर लॉग इन भी नहीं करना है ना, तो विदाउट यू कैन लॉग इन, यू कैन यू फाइंड दी फर्स्ट प्रोविंशियल अलॉटमेंट लिस्ट। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पूरे कॉलेजेस आ जाएंगे विथ कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब BA LLB, BBA LLB, आपका BSc BCOM, ये सब दिया हुआ है। जैसे एनएलएस बैंगलोर ओनली आपका LLB BA में करवाता है, BA LLB करवाता है। सेम गोज विथ हैदराबाद। लेकिन वही जब हम भोपाल की बात करते हैं, भोपाल हैज BA LLB ऑनर्स एंड BSc LLB ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो वो चीज़। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम एनालिस्ट की बात करते हैं तो एनालिस्ट बैंगलोर जो है उसको लेकर पता लग गया होगा। सबसे बड़ा जो इशू आया था ना, सबसे बड़ा जो लोगों को कंसर्न रेज हुआ था, वो रेज हुआ था कि सर BSc LLB में कहां तक रैंक जाएगी। तो अपन पहले BSc LLB को देखते हैं, है ना। NUJS का, कलकत्ता का क्या रहा। सो अगेन स्टार्ट विद दी 187 रैंक, है ना। 187 रैंक के साथ स्टार्ट हुआ। और जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी जो यहां पर एंड होती है, दैट इज यहां तक आपका जनरल कैटेगरी विदाउट एनी रिजर्वेशन 878 तक। उसके बाद फिर यहां पर आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगना स्टार्ट हो गया। तो दो तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कभी अपन और समझेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को बहुत ब्रॉडर वे में, बट ब्रीफ वे में अगर मैं समझा दूं तो होता क्या है। वर्टिकल मतलब 1 2 3 स्टेप इज वर्टिकल्स, राइट। अगर आप एक स्टेप ले रहे हो, सेकंड स्टेप ले रहे हो, थर्ड स्टेप ले रहे हो, दे आर दी वर्टिकल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होगा, जनरल कैटेगरी होगी, आपका ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, तो दे आर दी वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, लीनियर होता है ना। रोड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना। तो उसमें आप कैटेगराइजेशन होती है, जनरल में जैसे वेमेन कैटेगरी, जनरल में कैसे EWS कैटेगरी, जनरल में कैसे PWD, सो वो होती है हॉरिजॉन्टल। तो एससी में भी एससी वेमेन, एसटी वेमेन, है ना, ओबीसी वेमेन, फिर आपके ओबीसी में आपका आ जाएगा PWD, है ना। ओबीसी में आपका विथ आपका आपके मान के चलो, क्योंकि एक टाइप ऑफ रिजर्वेशन भी आता है, दैट इज बेनिफिट मिलता है अगर फ्रीडम फाइटर रहे हो या फिर आप डिफेंस फोर्सेस में मार्टियर रहे हो, कोई आपके पेरेंट्स में, कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, वर्टिकल है। तो जनरल कैटेगरी में आपका डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन, दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको यहां देखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है कि भाई अभी मुझे एक क्लैरिटी मिल गई। कि क्लैरिटी ये है कि अभी तक लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में जनरल कैटेगरी तक जो रैंक गई है NUJS में, दैट इज 878। नाउ वी सी दी BSc इन आपका भोपाल। सो भोपाल का ही था, भोपाल का था वैसे ये। नाउ वी सी दी BSc इन NUJS को लेकर, ठीक है। सो NUJS जो स्टार्ट हुआ है ना, NUJS जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 289 से। सो भोपाल जो है, भोपाल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था साइबर सिक्योरिटी में विथ 187, और जो आपका NUJS है इन द क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक वो स्टार्ट हुआ 289 में, एंड जो लास्ट रैंक गई है ना, दैट इज 998। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, अभी बहुत सारे लोगों को ना फ्लोट का ऑप्शन आ रखा होगा, फ्लोट फ्रीज का। अब पहले इन दो ऑप्शन को समझो, ये दो ऑप्शन हैं क्या।
फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब क्योंकि अभी आगे चल के और लिस्ट निकलेगी, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। अभी जब जैसे एलेट का रिजल्ट आ गया, तो एलेट के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, एनएलयू दिल्ली चले जाएंगे, है ना। तो जो सीट्स वेकेंट हुई हैं क्लैट की, है ना, वो अब फ्लोट जो करेगा वो धीरे 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 ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। अब जिसने फ्रीज कर दी, मान के चलो मुझे मिला डीएसएनएलयू, मेरी 15,000 रैंक है, 15,000 रैंक में ऑल इंडिया रैंक कुछ कैटेगरी लग के मेरे को डीएसएनएलयू मिल गया, विशाखापट्टनम वाला मिल गया कॉलेज। विशाखापट्टनम कॉलेज वाला मिलने के साथ साथ जैसे विशाखापट्टनम कॉलेज मिला, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फ्लोट कर दूं। फ्लोट का मतलब क्या होगा कि मैं डीएसएनएलयू के ऊपर भी आपका कॉलेज प्रिफर करना चाहता हूं। अब आपकी फीस तो भर दी है तो फ्लोट में एक्स्ट्रा पैसा तो लगना है नहीं, सो गो विद द फ्लोट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको फिक्स करना है, फ्रीज करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सो आर ओनली प्लस स्टूडेंट है ना, हमारी प्लस स्टूडेंट थी, लेट मी शो यू दिस थिंग, दैट्स गांधीनगर, ठीक है। तो गांधीनगर में सबसे पहले ओपन हुई है, दैट फिट ऑल इंडिया रैंक 8, है ना। तो अब जैसे ये जो स्टूडेंट है, ये एस्पिरेंट जो है ना, यशस्वी धाकड़, ऑल इंडिया रैंक 8, आर प्लस सब्सक्राइबर, इसने एनएलएस मिल सकता था इजीली, बट इसने सिंपल सा गांधीनगर गई और गांधीनगर में ये क्या करेगी, अपनी सीट फ्रीज कर देगी, क्योंकि इसको गांधीनगर ही चाहिए था, है ना। इसने अपनी जो लिस्ट होगी, प्रेफरेंस लिस्ट होगी, उस प्रेफरेंस लिस्ट को भी ना इसने सबसे पहले गांधीनगर ही भरा होगा। तो अब या फ्रीज करेगी या फ्लोट करेगी, तो फ्लोट करने का मेरे ख्याल से उसके पास ऑप्शन होगा भी नहीं, और इवन फ्लोट भी करेगी ना, क्योंकि इसकी पहली प्रेफरेंस वही थी, गांधीनगर ही थी। तो जब फर्स्ट प्रेफरेंस को मिल चुकी है ऑलरेडी, तो फिर ऑब्वियस ही बात है फ्लोट आगे कैसे कर सकते हो जब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है। हाँ, जिनकी प्रेफरेंसेस अभी बची हुई हैं वो आप फ्लोट कर सकते हो, वो सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलेट में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने का सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किसी और कॉलेज में चले जाएंगे, लाइक सिम्बी में चले जाएंगे, एमएससीटी में चले जाएंगे। सो प्लीज डू रिमेंबर दैट, अगर आपको कोई एनएलएस, मतलब जो टॉप टीयर वन कॉलेजेस हैं, और टीयर वन कॉलेजेस में भी आप एनएलएस को छोड़कर अगर आपके पास फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, गो विद द फ्लोट का ऑप्शन। कभी कभी जैसे तुम लोगों को लगेगा कि सर मेरी तो 150 रैंक आ रखी है, तो मेरी 150 में नालसार मिल गया मुझे, और ये तो बस चांस है कि मुझे नहीं मिलेगा आपका एनएलएस, तो मैं फ्रीज कर देता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे ऊपर जो रैंक वाले हैं जिनको नालसार मिल रखा है, उनके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही हो, उनको भी यही लग रहा हो कि यार कि अब ना फ्रीज ही कर देते हैं, नालसार ही ले लेते हैं, खत्म करते हैं, टेंशन ही खत्म करते हैं, नालसार भी अच्छा कॉलेज, नालसार ले लेते हैं। बट योर एम इज टू गो टू दी एनएलएस बैंगलोर, तो शायद तुम्हें अकेला सिर्फ फ्लोट किया हो, और एनएलएस बैंगलोर के बहुत सारे बच्चे एनएलयू दिल्ली भी जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो ऑब्वियसली बात है होंगी, एक दो सीट वेकेंसी, ज़्यादा नहीं होने वाला, एक दो सीट्स का डिफरेंस आएगा, है ना, एक दो सीट्स का डिफरेंस आएगा, वो भी कभी कभी नहीं आता। सो हाईली चांसेस कि आपको मिल जाए, है ना। अब जिसको भोपाल मिल रखा है, अब भोपाल से उसको फ्लोट करके कलकत्ता जाना है, सो हो सकता है कलकत्ता मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चा होगा जो एनएलयू दिल्ली चला जाएगा, है ना, या ऊपर जाके वो नालसार चला जाएगा, राइट। सो इसीलिए गो विद द फ्लोट का ऑप्शन, फ्लोट का ऑप्शन वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपके कॉलेज के अपग्रेडेशन में। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के बाद हाल के अकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, अकेडमिक ईयर नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगा आपके, मिड 2024 में, जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सो द पॉइंट इज कि अलॉटमेंट लिस्ट में आप फ्लोट करते रहो, सबसे बेस्ट है विद द अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर आप ना अपने कॉलेज के हिसाब से, यहां पर आप देख सकते हो अपने कॉलेज के हिसाब से, आप यहां पर देख सकते हो। तो जैसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि सर जबलपुर कहां तक जाएगा, तो जबलपुर की जब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की बात करते हैं, स्टार्ट हुआ जो 1060, उसको मैं देखने की जरूरत नहीं है। द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज कि हमें लास्ट में जाना है कि लास्ट में किसको मिला है जनरल कैटेगरी में। सो ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी 1559 तक गया है, बाकी फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगते चले गए, है ना। और जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, सो ईडब्ल्यूएस जो गया हुआ है, EWS जनरल कैटेगरी में विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट इज आपका 2122 ऑल इंडिया रैंक। ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है। कैटेगरी रैंक को अपनी साइड कर दो, दिस इज व्हाट ऑल इंडिया रैंक इज। तो जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रखी होगी ना, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो 2122 पर उसको EWS में जबलपुर मिल गया है, ठीक है। यस, या इफ यू हैव एनी कंसर्न, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी थिंग, मतलब इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि सर मुझे नहीं मिला, अच्छा बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला होगा, बहुत सारे बच्चे अभी यही कंसर्न में होंगे सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टिक विद दी आपका प्रोसेस,
है ना, प्रोविंशियल लिस्ट में बने रहो, मतलब आपके अलॉटमेंट जो हुई है ना काउंसलिंग में बने रही है। अभी बहुत सारा बच्चा छोड़ेगा, बहुत सारा बच्चा छोड़ने वाला है, जबलपुर ड्रॉप करेंगे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करेंगे। अभी इसके बाद वैकेंसीज भी आएंगी, और वैकेंसीज का याद रखना, वैकेंसीज क्लैट कंसोर्शियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वैकेंसीज इंडिविजुअल कॉलेजेस खुद फ्लोट करती है नोटिफिकेशन। सो हमेशा जैसी काउंसलिंग खत्म हो जाए, जैसी अलॉटमेंट लिस्ट खत्म हो, जैसी अलॉटमेंट लिस्ट खत्म हो जाएगी ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलॉटमेंट खत्म हो गया, उसके बाद हर कॉलेज अपनी वैकेंसीज निकालेगा कि हमारे कॉलेज में इतनी वैकेंसीज है और हम लोग क्लैट के स्कोर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वैकेंसीज में अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर वो अपग्रेडेड कॉलेज है, ऊपर का कॉलेज है, टीयर टू आपका टीयर वन कॉलेज है, वैकेंसीज में अप्लाई करना, वैकेंसीज आती हैं। और जब मैंने एडमिशन लिया था 2015 में, मेरे कॉलेज के अंदर कम से कम 5 to 6 सीट्स दे गॉट आपका वेकेंट, वो वेकेंट हो गई थी। फिर आए बहुत सारे बच्चे आए जिनकी रैंक 1600-1700 रैंक थी उस समय, दे ऑल्सो गेट एडमिशन इन दी NLU ओडिशा। सो वैकेंसीज का फायदा होता है, राइट? तो अभी जो कॉलेज मिल रहा है, हाँ कुछ मनी में डिफरेंसेस आ जाता है, कुछ मनी आपको पैसा रिटर्न नहीं होता है। जैसे मान के चलो मैंने ना एडमिशन ले लिया, मान के चलते हैं मैंने एडमिशन ले लिया असम में, है ना, असम या कोची मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे अलॉटमेंट हुआ, मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद मैंने कॉलेज फीस सबमिट करी, कॉलेज फीस सबमिट जैसे ही हो जाती है ना तो वो कॉलेज फीस फिक्स हो गई, अब आपको वो देनी है, वो अब आप वो है। लेकिन अगर आप वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है, तो जो आपने फीस दे रखी थी ना, एडमिशन फी दे रखी थी, वो एडमिशन फी ट्रांसफर हो जाती है उस कॉलेज को, ठीक है? तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगी उस कॉलेज को। कुछ पैसा आपको डिफरेंस नजर आएगा, है ना, 20-30,000 का आपको थोड़ा सा नजर आएगा, बट हाँ अगर 20-30,000 वन टाइम इन्वेस्ट करके मुझे अगर अपग्रेडेड कॉलेज मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डील, है ना, इट्स अ वेरी गुड डील। सो वो चीज, तो इतना मेक श्योर रखना। सर AIR 19,000 जर्नल एनी चांस? खुशी बेटा, वैकेंसीज यार, है ना, वैकेंसीज, बाकी अलॉटमेंट में बने रहो, है ना, काउंसलिंग में बने रहो, पैसा दे दिया है ना, नहीं मिलेगा तो पैसा रिफंड हो जाएगा, मिल जाएगा तो फिक्स कर लेना अपना कॉलेज। अभी बहुत सारा बच्चा ड्रॉप आउट होगा यहां से, अपनी फ्लोट करेगा, वैकेंसी देगा। सर ऑल इंडिया रैंक 1398, विमेन रैंक 726, महाराष्ट्र डोमिसाइल, गॉट NLU नागपुर, MNLU मुंबई, सेकंड लेवल, इज ही सेकंड लेवल इन दी प्रेफरेंस लिस्ट, शुड आई वेट टिल फोर्थ राउंड टू गेट मुंबई और एग्जिट? बेटा शील्ड स्टिक विद द काउंसलिंग प्रोसेस। देख अगर तू फ्लोट भी करेगा ना तो तेरा MNLU नागपुर तो फिक्स है, वो फिक्स है, नागपुर तेरा कहीं नहीं जाने वाला। अगर तू फ्लोट करेगा ना तो नागपुर फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है, तो बने रहे। सर 555555 को MNLU मिलेगा? 555555 डिपेंड्स कि कितने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, राइट, कितने सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं। सर PWD रैंक 184, जर्नल रैंक 47,000, PWD रैंक 184 और जनरल नेंसी, हाईली चांसेस यू कैन गेट आपका, क्योंकि वेमेन भी कैटेगराइज जुड़ जाएगा, वेमेन कैटेगरी भी जुड़ जाएगा विद PWD, हाईली चांसेस यू विल गेट द कॉलेज, हाईली चांसेस विल गेट द NLU। वेट टिल फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट। सर आई डोंट हैव द कैरेक्टर सर्टिफिकेट राइट नाउ, आई हैव अप्लाइड बट द ऑफिस विल रीओपन आफ्टर सेकेंड जन, वॉट शुड आई डू? बेटा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो बेटा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब होगा जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है, अभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर आपको कॉलेज बुलाएगा, है ना, और कॉलेज बुलाता है ना तो आपको बस 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप उनको जाके बोलोगे ना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी आएगा या आ जाएगा तो वो वेट कर लेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने स्कूल से इतना मेक श्योर रखना कि एक एप्लीकेशन, अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो मिल जाए, नहीं मिल रहा है ना तो फिर वहां से एक एप्लीकेशन लिखवा के आना कि यस दिस स्टूडेंट हैज बीन स्टडीड फ्रॉम दिस कॉलेज एंड कैरेक्टर इज गुड, और वो मिल जाता है यार, एक दिन के अंदर बन जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल का साइन चाहिए होता है, बस बहुत ईजी है, और अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर जनरल EWS 1382, जनरल EWS 1382, EWS 1382 यार बने रहे, है ना। देख मैं तुझे कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा, मैं तुझे फर्जी में फॉल्स होप नहीं दूंगा, लेस चांसेस, है ना, लेस चांसेस, वेरी लेस चांसेस, बट स्टिक विद दी आपका काउंसलिंग प्रोसेस। सर आई गॉट AIR 483,
9th in HNLU allotment list. I got JNLU. Is it possible? Is it AIR for JNLU right now for journal? Right? बेटा देखना, खोलना. अगर आप तू खोलेगा ना, JNLU का खोलते हैं. Yeah. So this is Gandhinagar, right? तो Gandhinagar अभी currently journal category में जो गया है, that is 429 गया हुआ है. 429 गया हुआ है. Yes. हाँ गौरव, करते जा बेटा. फ्लोट ऑप्शन चूज कर. फ्लोट ऑप्शन मिल जाएगा. अभी बहुत सारे लोग अपग्रेड होंगे, JNLU के ऊपर भी जाएंगे लोग, जोधपुर या फिर भोपाल प्रेफर करेंगे, है ना. इवन तो JNLU इज डूइंग वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं JNLU. सो कहीं ना कहीं कम चांसेस है, लेकिन हाँ इतना तो फ्लोट कर सकते हैं अपन, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं. इवन वैकेंसीज में अप्लाई करना, वैकेंसीज में तेरे हाईली चांसेस बन जाएंगे. सर एक बार फ्लोट किया और मोर प्रेफरेंस NLU मिला, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, कैन बी फ्लोट अगेन? यस यस. सेकेंड में भी आप फ्लोट कर सकते हो, थर्ड में भी फ्लोट कर सकते हो. जब लास्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी ना, उसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो वो फिक्स हो गई, फिर तो फ्रीज हो जाएगी. सर फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया, आई एम बिलोंग टू द जर्नल AIR 5555, इज देयर एनी चांस टू गेट RML? अगर बेटा कोई कैटेगरी होगी तो, और वो भी कैटेगरी SC या ST, तब. So my rank is 1326. I got BBA in Chanakya. I am the science side. Is there any problem? No problem. मैं भी science side से हूँ, मैंने BBA किया है, पास हुआ हूँ मैं भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती. मैंने BBA किया है, बस starting के first year, second year में कुछ subjects आएंगे accounts को लेकर, तो वो ऐसा नहीं है. मैं भी science student हूँ, मैंने भी science मतलब maths, PCM. I have also got the BBA LLB. I have also done BBA LLB in a single go. ठीक है, तो no issue in that. मज़ा आता है. Sir, I got NLU Assam and I got 1400 rank in general category. Is it possible? If could you tell which college I get till the third or the fourth list? I got NLU Assam, 1400 rank. Beta, be patient. Highly chances. तुझे रांची कोची मिल सकता है. और उड़ीसा वैकेंसी में अप्लाई करना. उड़ीसा गारंटी वैकेंसी में मिल जाएगा. उड़ीसा गारंटी मिल जाएगा वैकेंसी में. सर लास्ट ईयर AIR 462 गया था JNLU. बेटा इस साल हुआ क्या कि जैसे AIR 8 है, AIR 8 ने JNLU चूज कर लिया, राइट. सो अब ये सारी चीज़ें हुई हैं. सो अभी होंगी चीज़ें, तो वही है, अभी धीरे 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 अभी लास्ट रैंक जो है फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट तक एक्सटेंड होगी. सो माई रैंक इज 13,065 एंड OBC रैंक इज 2068. एनी चांस? मुस्कान, आई थिंक DSNLU, विशाखापट्टनम, ये सब. सर आई एम 2025 एस्पिरेंट, एनी चांस टू गेट NLS? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कबीर, मिल जाएगा तेरे को. मेहनत कर, पढ़ाई कर, तब मिलेगा, है ना. यहाँ बैठकर फालतू में लोगों को डिस्टर्ब करने से नहीं मिलने वाला. बच्चे पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, हाईली चांसेस हैं तेरे. सर आई गॉट NLU जोधपुर विच इज माई फोर्थ प्रेफरेंस. इफ आई फ्लोट अगेन गेट NUJS विच इज माई थर्ड प्रेफरेंस, तो विल आई गेट ऑप्शन टू चूज बिटवीन दोज टू और डायरेक्टली अलॉट? नहीं बेटा, फिर आपको NUJS ही मिलेगा. अगर आप फ्लोट करते हो ना, अगर आपका अपग्रेड होता है तो आपको NUJS जो अपग्रेड हुआ है वही मिलेगा. फिर आप जबलपुर, फिर आप जोधपुर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी प्लेस पे कोई और भी आएगा ना, नीचे से ऊपर आएगा, इसलिए, है ना. तो अगर आपके पास दो ऑप्शन होते, खुद सोचना, अगर आपके पास तू फ्लोट कर दिया और तेरे पास फिर दो ऑप्शन खुलेंगे, नहीं, वो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. तूने फ्लोट किया, अगर ऊपर का कॉलेज मिल रहा है तो ऊपर का कॉलेज फिर तेरे को फिक्स होगा, नीचे का कॉलेज नहीं मिलने वाला फिर, क्योंकि इस कॉलेज में जो नीचे वाला कॉलेज तेरे को पहले मिला है, अभी मिला है, वो यहां वाला बच्चा तेरी सीट भी तो लेगा, इसलिए. सर EWS 849 एनी चांस? प्राची थोड़ा वेट कर, है ना, थोड़ा वेट कर, हो सकता है मिल जाए. चलो सर ऑल इंडिया रैंक 4435, OBC 570, यूपी डोमिसाइल, एनी चांस इन द नेक्स्ट लिस्ट? बिकॉज आई डिडेंट गॉट इन दिस लिस्ट. अंशिका, RML लेस चांसेस केड, वेरी लेस चांसेस, है ना, कि इसमें तुम्हें OBC RML मिल जाए. बट आई रिकमेंड बेटा, आपका कौन था, जस्ट वन सेकेंड, या अंशिका. सो अंशिका आई रिकमेंड लोअर NLU मिल सकता है यार, है ना, न्यूली एस्टैब्लिश NLU मिल सकता है. चलो अच्छा, सो अब देखो अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, बट मेरा मेन इंटेंट बिहाइंड दिस सेशन इज
डोंट फ्रीज इट। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। देखो जिनको अपना कॉलेज उनको पसंद आ रहा है, जिनको मनपसंद कॉलेज मिल गया, जिसको गांधीनगर चाहिए था वो गांधीनगर मिल गया, जिसको एनएलएस चाहिए था, अब एनएलएस वाले तो क्या ही करेंगे फ्लोट, उनको तो फ्रीज का ऑप्शन ही आएगा। अब जैसे ही मान के चलो जिसको कोई ऐसा कॉलेज मिला है जो उनका मनपसंद का कॉलेज नहीं है बट वो चाहते हैं कि ऊपर कॉलेज मिल जाए, गो विद द फ्लोट ऑप्शन, डोंट फ्रीज इट। एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है, गो विद द फ्लोट, है ना। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बी पेशेंस, है ना, हैव पेशेंस। एंड आई गारंटी आपको जो मिल, जो कॉलेज अगर आप फ्लोट करोगे ना, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऊपर का कॉलेज मिलेगा, मिल जाएगा। सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ में मिल जाएगा, फ्लोट तो हो गए। जिन्हें फ्लोट का ऑप्शन चूज किया है ना, वो कहीं ना कहीं फ्लोट तो करके ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, जाएंगे जाएंगे, फिक्स है। सर, डज द कंसोर्सियम रिलीज ओवरऑल रैंक लिस्ट विद कैटेगरी इन अ सिंगल पीडीएफ आफ्टर द अलॉटमेंट और पूरे प्रोसेस के बाद? तब, पूरे प्रोसेस के बाद तब निकालता है। अभी 2-3 साल से तो नहीं निकालता था क्लैट कंसोर्सियम, इनिशियली निकलती थी, अब निकलना शायद बंद हो गई है, अब निकलना बंद हो गई है। यस चंद्रमौली बेटा, अब निकलना बंद हो गई सिंगल पीडीएफ में, इनिशियली था वो प्रोविजन और निकलता था। सर, एनएलयू अगरतला में लास्ट में रैंक 34930 लिखा है, मतलब ऐसा क्यों लिखा है इस कॉलेज में? ठीक है, एनएलयू अगरतला का देख लेते हैं कि एनएलयू अगरतला का क्या सिनेरियो है। या एनएलयू अगरतला पे अगर हम जाएं बेटा, एनएलयू अगरतला 1785 तक मिला है ना। बाकी आप नीचे जाओगे तो ये कैटेगरी है, मैंने बोला ना कैटेगरी लिखी हुई है, जैसे ये 30 अब ये पूरा आपको दिख रहा है 50,000 तक है, बट दैट इज आपका शेड्यूल कास्ट, टीआर। टीआर स्टैंड फॉर व्हाट? आपका ट्राइब ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। नाउ अब जनरल कैटेगरी कहां तक गई है? सिर्फ यहां तक 1785 तक, फर्स्ट अलॉटमेंट है, अभी एक्सटेंड होगी। सर गॉट 4070 एससी रैंक 82, अच्छा एआईआर 4070 एससी रैंक 82, एआईआर 1 इन एससी झारखंड, गॉट एनएलयू जोधपुर, माय फोर्थ प्रेफरेंस आई वांट नालसार, इन सेकंड प्रेफरेंस एनी चांस विल आई गेट थर्ड एंड फोर्थ? नालसार लेस चांसेस यार, नालसार लेस चांसेस, नालसार का लेस चांस है ना। एक बार कोलकाता हो सकता है ना, कोलकाता हो सकता है, एनीजेस कोलकाता के मिल जाए, बट नालसार लेस चांसेस। चलो आई थिंक यस, देखो सिंपल सा इंटेंट, फ्लोट करो, फ्लोट करोगे बेनिफिट में रहोगे, तो गो विद द फ्लोट ऑप्शन। अच्छा एक चीज और, अभी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप के लिए सोच भी रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे, इसलिए गो विद द फ्लोट ऑप्शन, यही मेन इंटेंट था। फ्लोट बताना, फ्रीज मत करना, गो विद द फ्लोट। हाँ, अगर मनपसंद कॉलेज मिल गया तो फिर जाओ, तो फिर जाओ, कोई नहीं रोकने वाला, तो फिर फ्रीज कर दो, ठीक है, बना फ्लोट के लिए जाओ। बाकी अभी ये सेशन को इसी को यहाँ पर पॉज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आकाश सर का सेशन है, आकाश सर विल टेल यू कि नॉवल कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, हाउ टू गेज द रीडिंग स्पीड, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। सो लेट्स एंड दी सेशन हियर। बाकी यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो अपना, यहाँ से आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सा कॉलेज मिला है, फ्लोट करने का फ़ायदा है कि नहीं है। फ्लोट करने का बहुत फ़ायदा है, ठीक है, तो गो विद दी फ्लोट ऑप्शन। बाकी वी एंड दी सेशन हियर, मिलते रहेंगे, है ना, बाद में अकेडमिक वीडियोज़ के साथ, अकेडमिक सेशंस के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन, एंड प्लीज डू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। सो बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे, बाय बाय गाइस, बाय बाय।